हाय फ्रेंड्स, हमारा चैनल महताब वेल आइडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर के आया हूँ, जिसमें तीन तरह के ट्रिक बताऊँगा जिससे आप किसी भी नंबर को मात्र 10 सेकंड में गुना या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना कैलकुलेटर के। हाँ दोस्तों, हमारा इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करना छोड़ देंगे। इसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिक नंबर वन। दोस्तों, पहली ट्रिक में हम ऐसे नंबर को लेंगे जो 100 के आसपास हो। जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ, नंबर वन 93 × 97। अब देखना ये है दोस्तों कि 93 जो है 100 से कितने कम है। यहाँ 93 100 से कितने कम है ये देखना है, और यहाँ पे ये 93 100 से 7 कम है, तो यहाँ -7 लिखेंगे। और ये 97 जो है 100 से 3 कम है, तो -3 लिख देंगे। अब बिल्कुल आसान है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको इसको चाहे आप इससे माइनस कर दीजिए या इसको इससे माइनस कर दीजिए। मैं ले लेता हूँ, 93 में से 3 माइनस हुआ, बच गया 90। उसके बाद ये और ये दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 21। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमारा आंसर निकल गया 90 = 21। चलिए दोस्तों, एक और नंबर ले लेता हूँ, 89 × 94। देखिए दोस्तों, 89 100 में कितना कम है, 11, तो यहाँ -11 लिख देंगे। 94 100 में 6 कम है, -6। अब इसको इससे माइनस कर दे या इसको इससे माइनस कर दे। 89 में 94 को 11, इसको इससे माइनस करते हैं। 94 में 11 माइनस हुआ, कितना बच गया, 83। अब 11 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 66। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल 5 सेकंड में आप आंसर किसी भी नंबर का जो है आंसर निकाल सकते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं दोस्तों, देखिए मैं ले लेता हूँ 92 × 95। अब ये देखिए दोस्तों, 92 में से जो है 100 में से 8 कम है, और ये 100 में से 5 कम है। अब इसको इससे माइनस करते हैं दोस्तों, 87 और 8 × 5 = 46। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा और तुरंत आंसर निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों, हम चलते हैं 100 से ज़्यादा वाले नंबर पे। 100 से ज़्यादा वाला नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आसानी के साथ तुरंत। तो मैं ले लेता हूँ दोस्तों, 100 से ज़्यादा वाला नंबर पे। देखिए दोस्तों, 100 से ज़्यादा वाला नंबर मैं लेता हूँ पहला नंबर पे, 102 × 104। देखिए दोस्तों, अब 100 से कम वाले नंबर पे हम माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे हमको प्लस करना है। ये देखिए कि 100 में से ये 102 जो है, ये 100 में से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 + 2 लिख देंगे। यहाँ पे 104 कितना ज़्यादा है, 100 में से 4 है, तो +4। देखिए दोस्तों, वहाँ पे हम जो है माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम एक दूसरे से माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमको प्लस करना है। 102 और 4 कितना हो गया, इसको इससे प्लस कीजिए या फिर इसको इससे प्लस कीजिए, तो एक दोनों सेम आएगा। 102 और 4 हो गया 106। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 4 × 8, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 08। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, एक और नंबर ट्राई करते हैं, ले लेते हैं 103 ×
दो। देखिए दोस्तों अब यह हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 3, तो प्लस 3 लिख देंगे। यह हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 2, प्लस 2 लिख देंगे। अब इसको या इसको, इसको इससे जोड़ दें या इसको इससे जोड़ दें, 103 और 2, 105, और 3 × 6 तो 06 लिख देंगे। 3 × 6 हो गया, यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। सिंगल डिजिट वाले नंबर से पहले 0 लगाएंगे, जैसे यहाँ 3 × 6 हुआ तो हम इसको 6 से पहले 0 लिख दिए, 06, यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कहीं भी आपके कभी भी निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेटर के मदद से तुरंत। एक और देखते हैं दोस्तों, एक और नंबर ट्राई करते हैं, 107 × 105। देखिए दोस्तों ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 7, प्लस 7, ये हमारा कितना ज़्यादा है, प्लस 5। अब इसको इसमें जोड़ दें या इसको इससे जोड़ दें, दोनों में सेम ही आएगा। तो 107 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 112। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 5 = 35। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया तुरंत, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं ट्रिक नंबर 3 में। दोस्तों इसमें करना क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कम वाले नंबर को 100 से ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैसे होता है देखिए दोस्तों, इसमें मैं नंबर ले लेता हूँ एक 100 से ज़्यादा नंबर, 102 × 95। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, जो 100 से ज़्यादा है तो इसमें देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 2 जाता है तो प्लस 2 लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 में 5 कम है तो −5 लिख देंगे। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, ये प्लस वाला को जो है इसमें आप जोड़ दें, या फिर ये माइनस वाला को इसमें आप माइनस कर दें, माइनस वाला को इससे माइनस कर दें या प्लस वाला को इससे प्लस कर दें। प्लस 2 को जो है 95 से जो है जोड़ दे, या फिर आप 102 में 5 घटा दें। तो चलिए दोस्तों 102 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 97। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए 102 में 5 घटाए तो हमारा 97 आया। अब इसमें क्या है कि 2 जीरो खुद से ऐड कर देना है। अब उसके बाद जो है दोस्तों ये 2 को 5 से जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 5 हो गया 10। यहाँ तो 10 जो आएगा दोस्तों इसको इसमें से घटा देना है, 97 में से 10 घटा देने से हमारा नंबर आएगा 9690। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है 100 से कम वाला को। चलिए एक और ले लेते हैं दोस्तों, नंबर 2 मैं ले लेता हूँ, 93 × 105, 93 × 105। अब इसमें देखिए दोस्तों ये 100 में से कितना कम है तो −7 लिख देंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो +5 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको इससे हम माइनस करते हैं या फिर इसको इससे प्लस करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो 93 + 5 हो गया 98। अब इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे। अब उसके बाद इसको आपस में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 = 35। देखिए दोस्तों अब इसको 35 को 9800 में जो है घटा देंगे −35, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 5679। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल आसान और तुरंत। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं, मैं नंबर ले लेता हूँ 87 ले लेता हूँ, × 106 = 106। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 100 में से 13 कम है तो −13 लिख देंगे, और ये दोस्तों 100 में से 6 ज़्यादा है तो +6। अब इसको या इससे माइनस कर दे या फिर इसको इससे प्लस कर दे, इसको इससे प्लस करना है और इसको इससे माइनस करना है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो 106 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 93। अब इसमें 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 6 = 78।
देखिए दोस्तों, अब इसको 78 को 9300 में घटा देना तो हमारा आंसर आ जाएगा 2292। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिना कैलकुलेटर की मदद से आप कोई सा भी जो है मल्टीप्लाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और वो भी मिनटों का काम सेकंड में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।